भी सर ज्योग्राफी हिंदी में पढ़ाते हैं वो पूरा अच्छे से समझ में आ जाता है, और ये है जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो चुका है, और अब धीरे धीरे शायद मेरी प्रैक्टिस बनती रहेगी। थोड़ा इरेगुलर हम हो जाते हैं, मेरी प्रॉब्लम है थोड़ा कॉलेज की वजह से, बीएड कर रहे हैं तो बीएड की वजह से, कॉलेज की वजह से शायद हम रेगुलर नहीं आ पाते हैं, घर पे थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि रोज रेगुलर हो जाएं। और बाकी तो सर का गाइडेंस था जिसकी वजह से ये मेरा पहला एग्जाम निकल गया, बहुत सारे एग्जाम दिए, बैंकिंग के ऑलमोस्ट मैंने एक साल सारे एग्जाम दिए 2022 में, SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, RRB असिस्टेंट सारे दिए, कुछ नहीं निकला, हम एकदम परेशान हो चुके थे। भाई मेरा है उससे छोटा, वो मुझे बहुत ताने मारता है कि क्या कहते हैं इतने दिन से कोचिंग कर रही हो कुछ नहीं हो रहा है, तो कभी कभी हम परेशान हो जाते थे। आज थोड़ा ये था कि हाँ आज के बाद से वो कुछ बोल नहीं पाएगा कि हाँ इसका एक भी एग्जाम आज तक नहीं निकला, तो इस चीज़ की खुशी है कि हाँ चलो लोगों का थोड़ा सा मुंह बंद हुआ, लेकिन अभी बहुत कुछ है। मेरा अभी फोकस मेन ARO पे है कि हाँ वो निकल जाए मेरा, तो शायद मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ कर लिया है, क्योंकि 12th तक तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चों की कैटेगरी में आते थे, लेकिन ये BSc के बाद से थोड़ा मेरा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से पूरा गड़बड़ हो गया एकेडमिक, तो इस वजह से शायद मेरी परफॉर्मेंस थोड़ा बिगड़ गई, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी जो परफॉर्मेंस है मुझे लगा कि हाँ धीरे धीरे मैंने बहुत इम्प्रूव किया है। पहले जो है हम टेस्ट देने में भी डरते थे, लेकिन अब जो है अगर हम नहीं भी आते तो हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं और पूरी ईमानदारी से देते हैं। ये है कि हाँ घर पे बैठ के भी हमसे चीटिंग हो सकती है, हम ये कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम चीटिंग ना करें, तो इसलिए हम अपने भाई को सामने बैठा लेते हैं कि वो मतलब देखता रहे, और वो ऐसा है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ सोचा भी तो वो तुरंत बीच में टॉप उठता है, तो इसलिए हमारे ऊपर है कि हम ईमानदारी से अगर करें तो बाकी हो जाएगा। और रही बात सर के पढ़ाने की, तो सर के पढ़ाने का तरीका तो बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में हम भी आए थे, प्रिया की लोग थी जिनका आपसे सिलेक्शन हो चुका है, तो वो लोग जो है क्विज हम सोचते थे कि इनको इतना ज़्यादा कैसे आ जाता है, तो जैसे दीदी आई थी, दीदी की भी मैंने स्पीच सुनी थी, उन्होंने कहा कि मेरा था कि हम भी जब आए थे कि क्विज मुझे पूरी आनी चाहिए, पता है नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बस रटना है तो रटना है। वैसे ही मैंने भी अब पूरी की पूरी क्विज एकदम 21 क्विज पूरी रख ली है कि पूरा जबान पे है कि हाँ कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। पहले नहीं समझते थे कि क्या है कहाँ है, लदान क्या है, नहीं समझते थे पहले, लेकिन हाँ ये तक रख लिया है तो रख लिया है। अब है कि हाँ जानते हैं कि हाँ स्थानांतरित कृषि है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। और बाकी जो भी बच्चे हैं वो अपना ये ट्राई करें कि हाँ क्लास में उन्हें बेस्ट करना है, जैसे विनीत भैया और मनदीप भैया लोग हैं, तो हम यही सोचते हैं कि हाँ ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं तो अभी मुझे इनके बराबर पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हाँ कोशिश करते रहेंगे तो ज़रूर पहुँच जाएंगे। बाकी जो सर के नोट्स हैं, मुझे लगता है कि सर का जो नोट्स देने का तरीका है वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं नहीं आ पाते हैं, तो अगर सर नोट्स वही लिखाए तो उनका एक एक दिन का छूटता जाएगा, वो काफ़ी हो जाता है, लेकिन जो सर नोट्स दे रहे थे उससे एक यही फायदा होता है कि हम लोगों को कुछ छूटता नहीं है, वो हम लोगों का कंप्लीट रहता है, तो एक साथ पूरा बाइंड अप होकर हमारे पास मटेरियल हो जाता है कि हाँ हम इतना पढ़ सकते हैं। बाकी तो सर का गाइडेंस ऐसे ही मिलता रहेगा, तो आगे और भी चीज़ें हैं जो हासिल करनी है हो जाएंगी, भगवान ने चाहा तो और भी अच्छे ऑफिसर बन के यहाँ से निकलेंगे, बाकी तो ठीक है।